भागलपुर के लनमटिया थाना क्षेत्र की पीरपैंती में 3 बाइक सवार अपराधियों ने चावल व्यवसायी गौतम भगत के दुकान में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं व्यवसायी ने बताया कि 3 बाइक सवार अपराधी बाइक से दुकान में घुसे और पैसे की मांग की, बोला नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। वहीं मौके पर सिटी SP के रामदास, DSP राकेश कुमार टू और 2 थाने की पुलिस मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है। जगह जगह के CCTV को खंगाला जा रहा है। बाइक सवार आया, मुंह में पट्टी बंधा हुआ था और कुछ कट्टा टाइप का थ्रीनरिया जो हो नहीं जानते हैं, वो सटाया और बैग में हमारा 5 लाख रुपया था वो लेकर के चला गया। कितने बजे हुआ ये घटना? 5 मिनट कम था, 11 बजे में। कितने लोग थे? 3 लोग थे। तीनों के पास क्या हथियार था? हाँ, तीनों के पास। देखिए, इधर ललमटिया थाना अंतर्गत पेपरपाती कालिस्तान में एक प्राची स्टोर है, ये चावल की दुकान है। उस दुकान पे अज्ञात 3 व्यक्तियों के द्वारा लूट का बारे में बता दा रहे। अभी इसमें जांच शुरू की है, जल्दी से जल्दी इसमें उद्भेदन करने। तीन अज्ञात व्यक्ति के बारे में लूट का बात बता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। हबीबपुर के खिलाफत नगर मोहल्ले में हुए बम धमाके में घायल सभी बच्चों के इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। मामले का उद्भेदन हो सके इसको लेकर लगातार पुलिस घायल और परिजनों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं अस्पताल में भर्ती घायल आरिफ राजा के द्वारा गली में बम लाने की बात कह रहा, जबकि राजा इस बात से इनकार कर रहा है। बता दें कि खिलाफत नगर मोहल्ले में हुए बम धमाके में कुल 8 बच्चे जख्मी हुए हैं। यह क्या हुआ? राजा के बारे में बोल रहा है, क्या बोलिएगा? हम क्या बोले सर, जो आप लोग फैसला करिए वो मंजूर है। राजा की माँ है आप? क्या बोलूं, राजा की माँ है आप? हाँ जी माँ। कौन बोल रहा है कि राजा है? उसका देवर कह रहा, अली भी कह रही उसको सिखा रही, ऐसे बच्चे को बोलिए ये बच्चे मेरे थे कि राजा बम फेंकी है, वो बता रही यार, वो बता रहा उसका देवर संजार, बता रहा संजार नाम है उसका, गुलजार नाम। क्या लगता है बम कहाँ से आया? कहाँ से आया हमें नहीं पता सर, हम तो पापड़ बेल देते सर, हमें भी मालूम नहीं है। कुछ बताया नहीं सर, कुछ नहीं बताया, कैसे हमें जैसे खेला ना, हम जैसे बिट्टी फेंका ना, हम की वो भी रहता है जो ठंडे का बोतल का, वही जो ऐसे फेंका ना अम्मी, तो वही जो ऊपर पड़ दुकन ऊपर से गिरा छत पे से अम्मी, मगर हाँ मगर हमने देखा नहीं अम्मी कहाँ में से गिरा। भागलपुर जिले में नगर निगम के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, इसको लेकर स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। इस भव्य कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय मंडल, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं माननीय सांसद ने कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, इस पावन मौके पर संपूर्ण देश के तमाम राज्यों में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। गांधी जी के जन्मदिन पर हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आज इस टाउनहॉल में मनाने का मौका लगा है। सबसे पहले आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, साथ ही आप सभी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महदीपुर करहरिया गांव में एक युवक की संदेहास्पद मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यदुनंदन प्रसाद सिंह का कैरन से एक्सीडेंट हो गया था, मायागंज अस्पताल आने के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई। वहीं मृतक के भाई पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि बालू माफिया ने एक साजिश के तहत इसकी हत्या कर दी है। यहाँ तक कि मृतक के परिजनों ने जगदीशपुर थाने में शिवालक चौधरी और बबलू यादव पर हत्या का आरोप लगाया। वे कहते हैं कि पूर्व में भी हमारा खेत बालू खनन के लिए जबरदस्ती जोत लिया था, गोलीबारी भी हुई थी, हमने जगदीशपुर थाने में आवेदन भी दिया था, लेकिन बालू माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना सुबह मेरे भाई को देखे दरवाजे पर से शिवालक और बबलू यादव दोनों उठा के लेके गया मोटरसाइकिल से, जरा सा भी था, इधर उधर आता जाता था, गया लेकर, हमको कोई पता नहीं था। हम 7 बजे लमसम में बैठे थे घर पर, हमको कॉल आया शिवालक के मोबाइल से कि आपका भाई एक्सीडेंट हो गया सिरकट्टी में कनकैठी के पास। तो हमें आनन फानन में अपना मोटरसाइकिल लेकर के हम चले गए हैं,
बोला कजरेली हम आ रहे हैं, हम कजरेली चले गए हैं, कजरेली नहीं आया था, फिर कॉल किए बोला हम कनकैथी कूड़ादानी में उसी जगह टोटो पर है, हम गए वहाँ, वहाँ गए तो देखे मेरा भाई टोटो पर था, हम दो तीन आदमी थे, चचेरा भाई सब था, मेरा बहू सब भी मोटरसाइकिल से आ रहा था, सब लोग वहाँ गए, मेरा आदमी जैसे टोटो पर गया वो उतर गया, अब उतरा बस हम देखते रह गए इधर भाई को और वो बगल से भाग गया, उसी जगह अगल बगल उसका घर है, अब जो है ना कॉल उठा रहा है ना कोई बात कर रहा है, कैसे क्या हुआ हमको इस विषय में कोई भी पता नहीं है। मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खेल प्रतियोगिता में भागलपुर की चांदनी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन कर भागलपुर लौटी, जहां भागलपुर रेलवे स्टेशन पर समाजसेवी विजय यादव के द्वारा चांदनी का जोरदार स्वागत किया। चांदनी ने मलेशिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर के खिलाड़ियों को हराया। हालांकि इस बार चांदनी मेडल से चूक गई, इससे पहले लगातार 3 बार रग्बी में ब्रॉन्ज मेडल बिहार को दिलाया है, अगली बार बिहार को गोल्ड मेडल दिलाने का वादा किया है। ये मलेशिया में गेम हुआ था, 7-side था रग्बी का, कंपटीशन तो टफ था, इंडिया तब भी अच्छा कर रही थी, फर्स्ट दिन बहुत अच्छा की, तीनों मैच हमने जीता था, सेकेंड दिन थोड़ा सा ये होता है लक किसी का खराब होता है, पिछले साल भी सिल्वर लगा था, उससे पिछले साल भी सिल्वर लगा, 3 साल से सिल्वर मेडल लग रहा था, इस बार हम लोग को चांस था कि हाँ गोल्ड ले लेंगे, लेकिन किसी वजह से कुछ मिस्टेक हुआ जिससे वजह से हम लोग 4th पे रहे। जिले में बाढ़ के कारण भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, लोग भूखे प्यासे इस विपदा से जूझने के लिए मजबूर है, हालांकि सरकार एवं अन्य सामाजिक संस्थाएं इस विपदा की स्थिति में लोगों को मदद पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था भी अपने निजी कोष से लोगों को राहत पहुंचाने को लेकर बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही है। वहीं संस्था के द्वारा सबौर में बाढ़ पीड़ितों के बीच विगत कई दिनों से सूखा राशन बांटते हुए राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस संबंध में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सदस्यों ने बताया कि हमारी संस्था के द्वारा हजारों बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत के रूप में सूखा राशन बांटा गया है और आगे भी हमारी संस्था इन लोगों की सहायता के लिए कार्य करती रहेगी। आर्ट ऑफ लिविंग भागलपुर की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने के ख्याल से हम लोग भोजन सामग्री बांट रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है, नाथनगर उधर दोगच्छी तक हम लोग बांटे, यहाँ सबौर में कल भी बांटे थे, सबौर हाई स्कूल में आज यहाँ बांटे हैं। वृद्ध दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो के बैनर तले लोदीपुर गंगटा पोखर के सामने सहारा वृद्धाश्रम में मंगलवार को दिन के 9 बजे से 12 बजे तक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाजसेवी विजय कुमार यादव, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर राकेश झा, डॉक्टर सतीश सरवरी मुखर्जी, मानवाधिकार संगठन की अमिता कौशिक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य जांच के पूर्व आगत अतिथियों के द्वारा वृद्धाश्रम में स्वच्छता का भी ख्याल रखा गया। इसको लेकर वृद्धाश्रम के बाहर साफ सफाई के मद्देनजर सड़क पर झाड़ू किया गया। इसके बाद आंख, हड्डी, दांत फिजिशियन के डॉक्टरों ने बीमार वृद्ध का जांच कर उन्हें दवाई दी। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी भागलपुर शाखा के द्वारा मसाड़ू गांव में राहत सामग्री बांटी गई, जिसमें चूड़ा, सत्तू, लेडीज किट एवं बर्तन किट शामिल था। इस मौके पर मामलखा के मुखिया अभिषेक मंडल एवं उनकी टीम ने राशन बांटने में काफी मदद की। बता दें कि रेडक्रॉस सोसाइटी पूरे विश्व में युद्ध से लेकर शांति तक कार्य करती रहती है, आपदा के मौके पर भी लोगों के बीच इनके सदस्य जाते हैं और उनका हर संभव सम्मान हो या जनसेवा के द्वारा सेवा करते हैं। कार्यक्रम के समिति के अध्यक्ष अशोक जीवारिका, उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह कुमार, हर्षप्रीत एवं अन्य सदस्यों ने काफी सहयोग किया। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी भागलपुर के सभी मेंबर वहां गए और राहत सामग्रियां बांटी, जिसमें से चूड़ा था, सत्तू था, औरतों के लिए किट्स था और बर्तन थे। हम लोगों ने जहां तक संभव हुआ सभी को देने का कोशिश किया। भागलपुर में आई भीषण बाढ़ के बाद अब जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही स्वास्थ्य संकट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बीजेपी नेता बंटी यादव, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर के अध्यक्ष को एक आवेदन सौंपा, जिसमें अनुरोध किया है कि हर डॉक्टर चाहे ओपीडी हो या अन्य चिकित्सा सेवाएं कम निर्धारित राशि में मरीजों का इलाज करें, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा मिल सके। इसके साथ ही मेडिकल कैंप और दवा वितरण की व्यवस्था भी हो, ताकि बाढ़ प्रभावित लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर सुमेन चटर्जी से मुलाकात कर उनको आग्रह किया कि बाढ़ से जो प्रभावित पूरे भागलपुर जिला में क्षेत्र हैं, चाहे वो त्रिपैथी, गोपालपुर या बीपुर या नाथनगर,
और कुछ वार्ड भी भागलपुर जिला के जो भागलपुर टाउन है उसके भी कुछ वार्ड हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हुए। अब पानी क्योंकि घट रही है, अब ये पानी घटने के क्रम में जो मुख्य समस्या और मुख्य बीमारी होने और आने का संकेत शुरू हो चुका है, इसलिए माननीय अपने डॉक्टर सुमन चटर्जी जी से, अध्यक्ष महोदय आईएमए के से ये आग्रह मैंने किया कि अपने जितने भी भागलपुर के डॉक्टर हैं उन सब से जो भी अपने क्लिनिक में देख रहे हैं अपने पेशेंट को, और उन वो सब जो सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर हैं सबको अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि भगवान के स्वरूप डॉक्टर को माना गया इस धरती पर, तो उन सबसे ये आग्रह किया मैंने कि भाई आप अपने कर्तव्य को करते हुए सारे जगह डॉक्टर कैंप लगाएं एवं अपनी क्लिनिक में कैसे वैसे मरीजों को जो कि बहुत आर्थिक रूप से कमजोर है उनको कैसे सहयोग किया जाए फीस को माफ करके, वो क्या तरीका ऐसा उत्पन्न और तय किया जा सकता है जिसके से गरीब जिनको हम कहते हैं आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको ये सहयोग किया जाए कि आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।